अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस आप 3D, उसका डेमो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस तरह का वीडियो आप भी बना सकते हैं अपने मोबाइल पर, बहुत ही इजी तरीका है। आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह बनाना है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन काइन मास्टर और दूसरा पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है उसका ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। भाई, सबसे पहले आपने काइन मास्टर और पिक्सल लैब एप्लीकेशन का लिंक मैंने दिया हुआ है, आपने उसको इधर से डाउनलोड कर लेना है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इधर आपके पास ये ए लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने इधर से अपना ये वाला रिफ्लेक्ट वाला जो है ये चूज़ कर लेना है इधर से। उसके बाद आप ए पे जाएँ, ठीक है। इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इधर पेंसिल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर करें। फिर पेंसिल के निशान पर करें और इधर आप अपना नाम लिख लें, ठीक है जी। मैं लिख लेता हूँ ज़ीशान, ठीक है। उसके बाद इधर से ओके कर देंगे, ये हमारा नाम आ गया। अभी आपने इसको 3D किस तरह बनाना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। इसको आप इधर स्वाइप करते जाएं, पहले इसको एक इधर से कलर पे जाके कलर दे दें, ठीक है। जो भी आप अपने मर्ज़ी का देने चाहते हैं, ग्रेडियंट देना चाहते हैं या ओनली ये कलर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट पर जाएँगे तो आपको ये दो कलर मिल जाएंगे इसके, ठीक है जी। हम ये वाला कलर रख लेते हैं, ठीक है। इसको इधर से जाके ओके कर देंगे। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे, इधर आपके पास फ़ॉन्ट है, इधर से आप जाके कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फ़ॉन्ट आप अपना मर्ज़ी का लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैं इधर से ये वाला लगा लेता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं अभी 3D बनाऊँगा आप, ठीक है। देखिए किस तरह 3D बनाना है। इसको हम थोड़ा सा स्पेसिंग कर देंगे इसके बीच में, ओके। अभी इसका इधर से जाके शेडो ऑन कर देते हैं, ऑलरेडी ऑन किया हुआ मैंने, ठीक है। इसके बाद ये प्रोस्पेक्टिव आ गया, इसको भी आपने जाके एनेबल कर देना है इधर से, ठीक है। उसके बाद ये 3D आपके पास ऑप्शन आ गया, इसको हम ऐसा भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको इधर रख लेंगे, इधर तक रख लेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन जो है ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का ऑप्शन आपके पास एंड पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इधर जाना है, ये जो आपके पास दायरा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप अपना मर्ज़ी का स्टिकर इधर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक गन वाला स्टिकर लगाया हुआ था, ठीक है जी। वो मैं उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ठीक है। आप उधर से जाके लगा सकते हैं। तो हम ये गन वाला अभी इधर से लगाएँगे, बहुत इजी तरीका है भाई। इधर से जाके आप डाउनलोड कर लें, उसका लिंक मैंने उसमें दे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हम इधर से ये गन वाला जो है अभी लगा लेते हैं, इधर से हम अभी ये गन वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओके करने के बाद आपने इधर आपके पास तीर का निशाना है, गुड का निशाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको भी इधर से हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको भी हम ऐसा 3D कर देंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर रख के आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा 3D बनाएंगे, ये 3D रोटेट का आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, सेम जैसा हमारा नाम है उसके हिसाब से हम रख लेंगे इसको, ठीक है जी। इधर सेट कर लेते हैं, इसके बाद इधर से आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जाएं इस पे, ये जो आपके पास दो डब्बा नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसका बैकग्राउंड आपने इधर से ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जाएं, आपके पास इधर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे जाके सेव एज इमेज कर देना है आपने, ठीक है जी। सेव एज इमेज करने के बाद आपने इसका जो इधर से क्वालिटी है उसको अल्ट्रा कर देना है आपने, ठीक है। क्वालिटी जो है अल्ट्रा कर देना है आपने। अल्ट्रा रखेंगे तो आपका नेम का जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर रहेगा, कम नहीं होगा। इसके बाद हम इसको सेव गैलरी कर देंगे। इस जो पूरा मैंने इसमें मटेरियल यूज़ किया है उसका ये सब आपको उस मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। तो उसके बाद हम अपने काइन मास्टर पे जाएंगे, काइन मास्टर पे बाद में जाते हैं हम, पहले अपना जो फ़ोटो आपने लगाना है, ठीक है जी। उसको आप इधर से
उसका बैकग्राउंड आपने चेंज कर लेना है। एक वेबसाइट आती है बीजी रिमूव लिखेंगे तो आपके पास रिमूव बीजी ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है, रिमूव डॉट बीजी। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड है वो सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ऑलरेडी इस फ़ोटो का किया हुआ है रिमूव, ठीक है, ये देखें। फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरह होगा ये। ये देखिए जी, बिल्कुल क्लियर ये हो गया। इसके बाद हमने इधर से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने जाना है अपने मोबाइल में, जो काइन मास्टर का भी मैंने लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप प्रो अनलॉक जो है फुली अनलॉक काइन मास्टर वो डाउनलोड करें, ठीक है। उसमें आपके पास सब उसके फीचर जो हैं वो शो करेगा। उसके बाद आपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद 16:9 का एक रेशो ले लेना है, ठीक है जी। 16:9 का रेशो लेने के बाद आपने इधर से एक बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है, वाइट कलर का। वाइट कलर का बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। आपने जो अभी एक फ़ोटो जो किया है डाउनलोड उसको ले लेना है, ठीक है जी, जिस फ़ोटो का आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है। अभी ये फ़ोटो का बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था, ठीक है जी। इसको हम इधर थोड़ा सेट कर लेंगे। आप अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कहीं भी इस फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, जो हमने अभी एक नाम बनाया था, ठीक है, 3D नाम जो बनाया हमने, उस नाम को हम ले लेंगे अभी, ठीक है जी। ये मैंने बनाया था अभी नाम, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके इधर सेट कर दूंगा मैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कहीं भी सेट रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इधर से ओके कर देंगे आगे इसको। उसके बाद फिर लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं, फिर आपको मैंने एक PNG का लिंक इसमें दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई लव माई एटीट्यूड वाला, ठीक है। आप अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से कोई भी इधर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इधर सेट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद आप फिर लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं। अभी आपने इधर इसके ऊपर टेम्पलेट लगाना है, ठीक है, हर्ट्स वाला, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम इधर से कर देंगे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको हम कर देंगे सेंड टू बैक, ठीक है जी। आपके पास ये 3 डॉट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको कर देना है सेंड टू बैक, ठीक है। सेंड टू बैक हो गया, इधर से आप इसको ओके कर दें। उसके बाद फिर लेयर पे जाना है आपने, मीडिया पे जाना है। एक और जो टेम्पलेट है इसमें इस वीडियो के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में डाला हुआ है मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, सॉरी। आप इधर से जाके ये वाला डाउनलोड कर लेना। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा इधर से। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने इसको इसको आपने ब्लेंडिंग पे जाके, ये वाला है, इसको फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। इसको आप ब्लेंडिंग पे जाके इधर से स्क्रीन पे कर देंगे तो इसका जो ब्लैक कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अभी हमने लेयर लिया है, ठीक है। इसको आप ब्लेंडिंग पे जाके आपने स्क्रीन पे करना है तो इसका ब्लैक कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, ठीक है जी। एक और कलर है, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है, आपने उसको ले लेना है। इसको भी आप फुल स्क्रीन कर लें इधर से। उसके बाद ओके कर दें, फिर वही कलर पे क्लिक करें जो हमने अभी लिया है, उसको ब्लेंडिंग पे जाके, ब्लेंडिंग पे जाएंगे हम। इसके बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी आपको बताता हूँ, प्ले करके दिखाऊंगा आपको। ये जो नाम वाला है हमारा, जो नाम लिखा हुआ है, इसको हम इधर से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ऐसा करके रख देंगे तो अच्छा नज़र आएगा। इसको आप हम एक एनिमेशन भी दे देंगे, इन एनिमेशन हम इसको देंगे जी वाइप राइट, ठीक है जी। इसका टाइम जो है हम वो 2.5 सेकेंड रख देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। अभी आप इसको इधर से प्ले करके देखें, से जाके आपने इसको कैंची पे जाके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करने हैं, जो आपका एक्स्ट्रा इसको पार्ट है, ठीक है। आप अपने गाने और सॉन्ग और लिरिक के हिसाब से इसको जितना मर्जी लंबा रख सकते हैं, ठीक है। इधर से जाके आप जितना मर्जी इसको टाइम रख सकते हैं इसका। तो अभी हम एक बार प्ले करें, जाकर उसको
एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। आपने 1080 पिक्सल पे जाके आप इसका फ्रेम रेट 30 पे रख के करें तो आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।